हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको ऑनलाइन CCC का फॉर्म फिल करना बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे। तो ये देखिए, हमारे टास्क बार में फायरफॉक्स हमें दिख रहा है, हम इसे ओपन कर लेंगे। ये हमारा फायरफॉक्स ओपन हो चुका है। अब सर्च बॉक्स में sarkaririzalt.com सर्च करेंगे। अब हम इसे एंटर कर देंगे। ये हमारा ओपन हो चुका है। हम फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये सारी डिटेल देख लेना, ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। इसमें हम सबसे नीचे CCC ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, हम इसे ओपन करेंगे। ये इसकी सारी डिटेल दे रखी है, क्या फीस है, क्या डेट है, सारा कुछ इसमें दे रखा है। हम इसे रीड कर लेंगे। ये नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ हम क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑनलाइन फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल चुका है। अब हम इसे फिल करेंगे। तो देखिए, ये लिखा हुआ है क्या आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। तो हम यहाँ नो ही रहने देंगे। आवेदन का पूरा नाम, तो यहाँ हम अपना नेम डालेंगे। इसके लिए हम यहाँ से मेल फीमेल के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ मिस सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ मैं अपना नाम डालूंगी। अब यहाँ हम फादर नेम डालेंगे। यहाँ हम मदर्स नेम फिल करेंगे। जब भी आप CCC का फॉर्म अप्लाई करें तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि मदर्स नेम हमेशा कैपिटल में ही डाला जाता है। तो देखिए, हम कैपिटल लेटर में मदर्स नेम डाल चुके हैं। अब नेम के हिसाब से यहाँ जेंडर खुद फिल हो चुका है, फीमेल। अब यहाँ हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके लिए हम इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरीके का खुल चुका है। अब हम यहाँ ईयर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, सारे ईयर आ जाएंगे, उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर चुके हैं अपना ईयर। अब यहाँ पर हम मंथ सिलेक्ट करेंगे। ये हमने अपना मंथ सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपना डेट सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी डेट फिल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। आपका जो भी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति सिलेक्ट कर रही हूँ, यानी SC। हम यहाँ से अपना एप्लीकेशन यानी वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखी हैं, जो भी आपका हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है। ये यहाँ पर दिव्यांगता लिखा हुआ है। अगर आप विकलांगित हैं तो यस करें, वरना नो करें। हम यहाँ नो रहने देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यदि आप कमजोर हैं आर्थिक रूप से तो यस करें, वरना यहाँ नो रहने दें। हमने यहाँ नो ही रहने दिया है। ये मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ हमारा मोबाइल नंबर फिल हो चुका है। अब हम यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ हमारी ईमेल आईडी फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस फिल करेंगे। ये हम अपना एड्रेस फिल करते हैं। अब इस तीसरे वाले ऑप्शन को चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो या फिल भी कर सकते हो। हम यहाँ अपने शहर का नाम डालेंगे। अब हम यहाँ स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपना स्टेट देख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ ये सिलेक्ट किया, हम अपना यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, इसमें हम अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे।
जैसे कि मैंने यहाँ इसे सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। हमारा पिन कोड फिल हो चुका है। अब यहाँ उच्चतम शैक्षिक योग्यता हम यहाँ पर अपना इसको सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ वर्ष डालेंगे। यह हमारा वर्ष सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर किसके रूप में आवेदन किया है, यानी हमने अगर डायरेक्ट किया है तो यहाँ क्लिक करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया है तो यहाँ, तो हम इसको डायरेक्ट रहने देते हैं। ये लिखा हुआ है किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर एवरी मंथ एग्जाम हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम ये सिलेक्ट एग्जाम नेम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं। अब हम ये सितंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हमारी फीस आ चुकी है, यहाँ हम फीस देख सकते हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ अपना स्टेट देखेंगे, तो हमने यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिलेक्ट लोकेशन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर जहाँ हमें एग्ज़ाम देना है हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ इसको सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें स्टेट को सिलेक्ट करना है। देखिए हम यहाँ मुरादाबाद सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ दूसरी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ दूसरा लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए हमने संभल को सिलेक्ट किया है। अब हम यहाँ आधार कार्ड संख्या, यानी हम अपना यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ हमारा आधार कार्ड नंबर फिल हो चुका है। तो देखिए हम यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पर थंब अपलोड करेंगे। अगर ये सारी चीजें पहले से आपकी फाइल में रिसाइज हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल में जाकर इनको अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो हमें अपना व्हाट्सअप लैपटॉप में लॉगिन करना होगा, तब हम उन्हें रिसाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ अपलोड करेंगे। फोन से लैपटॉप में व्हाट्सअप किस तरीके से लॉगिन करते हैं ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ फोटो सिग्नेचर थंब लगा चुकी हूँ, ये सब हमें यहाँ अपलोड करने के लिए यहाँ पर इनका साइज लिखा हुआ है, इन सबको हम रीड कर लेंगे, इन्हीं के हिसाब से हम इन सबको रिसाइज करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना कैप्चर कोड डालेंगे। जैसे कि मैंने कैप्चर कोड डाल दिया है, अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे आई एग्री पर। तो देखिए ये हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारी डिटेल फिल हो चुकी है। इस तरीके से दिखेगा ये कुछ। अब हम यहाँ इसको सबमिट कर देंगे, पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। देखिए हमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है, इसमें हम अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे जो हमने फिल करी है, सब ठीक है या कुछ नहीं, पूरा पढ़ लेंगे इसको। यहाँ से हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे, और अगर आप इसको डाउनलोड करके सेव करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे। ओके, थैंक यू।